हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल ओज ब्यूटी पार्लर विच इज़ लोकेटेड इन औरंगे टाउन कराची। सो ये बहुत ही प्यारी सी क्लाइंट आज अगेन आई हैं और आज हम लोग क्रिएट करेंगे ग्लैमर स्मोकी लुक, जो कि जो लोग मैट स्मोकी मेकअप नहीं पसंद करते, ग्लैमर शिमरी ग्लैमर पसंद करते और इनके आइज़ भी बहुत प्यारी सी थी और इन पर सूट भी बहुत करता ग्लैमर स्मोकी लुक, तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी। बाकी हमारे जो प्रीवियस वीडियो में आप लोग वहाँ पे देखे होंगे कि मैट शेड पे बहुत सारे कलर्स आप लोग से शेयर किया गया है, ज़्यादातर लाइक डॉक्टर मदिया का जो लुक था वो भी सॉफ्ट ब्राउन स्मोकी क्रिएट किया गया था। इसके अलावा दरक्षा के जो बारात का जो लुक था वो ग्लैमर मेकअप में आप लोग से शेयर किया गया था। तो आज थोड़ा सा डिफरेंट है, आज यूनिक सा है, देखने में तो आपको लग रहा होगा बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत ही प्यारा लुक है और बहुत इजी है। बस इसमें ये होता है कि स्मोकी लुक में आपको थोड़ी सी ब्लेंडिंग की पावर जो है स्ट्रॉन्ग करनी होती है, इसकी प्रैक्टिस करनी होती है ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी अच्छी आप ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा आपका लुक आएगा। अगर आप लोग सोचेंगे कि बस लेके डिपॉजिट किया और जल्दी ले काम ख़त्म करें, अपने क्लाइंट को मेकअप जल्दी से फ्री कर दें, तो ऐसा नहीं है। मेकअप स्मोकी मेकअप में स्पेशली आप देखे होंगे जितने भी सलोन या पार्लर में प्राइस इनके ज़्यादा होते हैं, क्यों? क्योंकि टाइम लगता है और जितना सॉफ्ट मेकअप जितना नो मेकअप होता है उतना ही मेकअप में समझो कि टाइम लगता है, उतना ही मेकअप को करना मुश्किल होता है। ये मेकअप आर्टिस्ट ही ये सही से पहचान पाएंगे। लोगों की थिंकिंग में ये होता है कि सॉफ्ट मेकअप है, लाइट मेकअप है, नो मेकअप है, उसके चार्जेस कम होंगे। इनफैक्ट कैसे नहीं होता, लिटरली आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, जितना लाइट जितना सॉफ्ट मेकअप होता है उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है और इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। सबसे अच्छी बात यह होती है कि हेवी मेकअप ग्लैमर मेकअप हर कोई कर लेता है लेकिन सॉफ्ट मेकअप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और इसमें प्रैक्टिस भी बहुत चाहिए होती है। तो मुझे लगता है कि हर मेकअप आर्टिस्ट इतना अच्छा नहीं कर पाता अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, लेकिन बहुत से लोग आते हैं लाइक जिस तरह जो ज़्यादा एज के होते हैं, लाइक मेरी मदर के एज के हो गए या थोड़े ग्रैंड मदर हो गई, वो आती हमारे पास, कहती है कि हमें बस मेकअप इतना करना है कि पार्लर आने का मकसद ये है कि सारी घर वाले जो हैं यहाँ पे पार्लर आए हुए हैं तो मैं इसलिए आई हूँ ताकि मेरे जो फेस है वो सुधर जाए। तो इसके ये मतलब नहीं होता है कि आपके पास वो बहुत एजड पर्सन आई हैं और आपने उनको बहुत ज़्यादा ग्लैमर लुक कर दिया। कुछ क्लाइंट पसंद करती हैं कि मुझे ग्लैमर लुक चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम अपने क्लाइंट से पूछ लेते हैं कि आपको किस टाइप का लुक चाहिए, तो वो कह देती हैं कि हमें बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए, मैट लुक चाहिए, वन शेड चाहिए, तो आप उस तरीके से काम करें। साथ के साथ यहाँ पे प्रोडक्ट भी शेयर करते जा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि वॉइस ओवर करने की नीड होती है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से वॉइस ओवर करके शेयर कर देती हूँ। और कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि आप जो हैं क्लासेस का रखें, क्लासेस आप कब रख रही हैं, नहीं रख रही हैं या कब स्टार्ट करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर सोचा है क्लासेस रखने की, लेकिन अभी शेड्यूल हमारी थोड़ी सी बिजी जा रही है, इसके अलावा टाइम हमें नहीं मिल पा रहा है जो अब क्लासेस रखें, क्योंकि क्लासेस लेने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं और जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो मुझे पता ही हमारा जो पार्लर का जो एरिया है वो फुल हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ स्टूडेंट को लेना थोड़ी होगा, उनको सही से सिखाना होगा, टीच करनी होगी अच्छे तरीके से। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर अल्लाह ने चाहा तो ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। बस आप लोगों की दुआ की ज़रूरत है, जिस तरीके से आप लोग हमें सपोर्ट किए हैं, जिस तरीके से आप लोग हमें इतनी मोहब्बत दिए और बहुत से क्लाइंट जो हैं इतनी दुआएं देके जाते हैं मेकअप करवाने के बाद, और फिर बड़ा यानी कि बहुत खुशी होती है कि यहाँ पे जब हम मेकअप करके अपने क्लाइंट को दे रहे होते हैं और उनकी फीडबैक बहुत अच्छी आती है, कमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं, तो ऐसा लगता है हमारी मेहनत वसूल हो गए, उनके पैसे वसूल हो जाते हैं और हमारी मेहनत वसूल हो जाती है, तो इसमें दिल खुश हो जाता है। ये जो है काशी का एक छोटा सा पैलेट है, ये 1200 to 1500 के बीच में है ये प्राइस। इसके जो है मुझे नाम याद नहीं है, नाम मालूम नहीं है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था बैग पे, और इनके पास ये टेस्टर से हमने लिया था तो जो हमने पर्पल कलर पे यहाँ पे लगा लिया। और यहाँ पे गैलेक्सी गार्डन है, क्राउन शेड है, काशी का है, इसके ऊपर यहाँ पे पर्पल शेड ये लगाए, देखें आप कितनी सारे शिमर लग रही है, देखने को तो लगता है कि बहुत कम चीज़ें लगी हुई हैं लेकिन मेहनत बैक में कितनी की जाती है, और मेकअप आर्टिस्ट ये ज़्यादा पहचानते हैं कि एक नॉर्मल लुक देखने में ऐसा लगता है डिसेंट सा सिंपल सा लुक है लेकिन उसके बैक में कितना वर्क किया जाता है। और मेकअप का नाम ही है ब्लेंडिंग, मेकअप है क्या, एक ब्लेंडिंग है। अगर आप मेकअप को ब्लेंड अच्छे तरीके से करेंगे, बहुत ही सिंपल मेकअप करेंगे, आपके हाथों में फिनिशिंग आएगी, तो समझें कि मेकअप आपको हर तरीके से अच्छा लगेगा।
लेकिन सेकंड ये है कि आपकी हेयर स्टाइलिंग भी बहुत 50% ना हेयर स्टाइलिंग पे डिपेंड करता है। मेकअप आपने बहुत अच्छा कर ले, आपकी हेयर स्टाइलिंग अच्छी नहीं है तो ट्रस्ट में वो मेकअप जो है प्रोमिनेंट होने के बजाय वो दब जाता है और वो उतना खूबसूरत नहीं लगता। ये जो मेकअप है ब्लैक टच देने के बाद यहाँ पे आप यहीं पे भी वाइंड अप कर सकते हैं, लेकिन अगर क्लाइंट को थोड़ा सा ग्लैमर चाहिए, ये जस्ट टू शेड आप यहाँ पे देखें, शेड जो है ना डबल आएगा, थोड़ा सा पिकॉक कलर है। पिकॉक कलर किस तरीके से होता है, बिल्कुल जस्ट वही कलर आएगा। वन साइड एंगल आप चेंज करेंगे दूसरा शेड देगा, आप सेंटर पर देखेंगे या साइड से देखेंगे तो शेड जो है डबल शेड आ रहे होंगे। इसके ऊपर आप ग्लैमर शिमर भी लगा सकते हैं, मेटालिक सॉरी ग्लिटर लगा सकते हैं, या तो आप यहीं पे वाइंड अप कर लें लाइनर एंड मस्कारा और लैशेस लगा। ओके जी, एक क्वेश्चन आया था, आई डोंट नो किसने किया था लेकिन मेरे नज़रों से वो चीज़ गुजरी है। कमेंट ये था, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये जिसने भी ये लेके कमेंट किया है ना, ट्रस्ट मी वो मेकअप के बारे में वो कोई जानता है, ठीक है, जानता है या जानती है, और वो ख़ुद एक मेकअप आर्टिस्ट है या उसे उस चीज़ के बारे में नॉलेज है, मतलब प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है, मेकअप के बारे में नॉलेज है। तो मुझे क्वेश्चन ये था कि आप इतनी महंगी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं तो आप कैसे मैनेज कर लेती हैं कि 1700 के मॉडल मेकअप फ्रंट हेडो के साथ ब्राइडल 8000 नॉर्मल बैग जुड़ा दुपट्टा सेटिंग ज्वेलरी सेटिंग नेल्स वर्क के साथ और वलीमा मेकअप 11000 एक्सटेंशन वर्क के साथ, तो इतने कम प्राइस में आप इतने सारी चीज़ें महंगी महंगी चीज़ें यूज़ कर लेती हैं, कैसे आप मैनेज कर लेती हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसका एक वैलिड क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन का आंसर ये है कि हमारे जो पार्लर की जो लोकेशन है वो हमारी स्पेस है, मतलब हम रेंट नहीं दे रहे हैं। रेंट का मतलब होता है कि अगर आप कहीं पर रेंट देते हैं तो वो लाखों में रेंट चाहते हैं, कमर्शियली जो भी होता है, ये हमारा स्पेस है। यहाँ पे बचत ये आ रही है कि हमारे रेंट जो है वो सेफ़ हो रहा है, जो रेंट सेफ़ हो रहा है वही चीज़ हम डिस्काउंट करके अपने क्लाइंट को दे रहे हैं, और ये क्लाइंट जो है अब रोड पे, यही मेन रोड पे हम जैसे कि बड़ी जगह पे हम ओपन करते हैं लाइक तारिक रोड पे या डिफेंस के साइड पे, तो वहाँ पे ये होता है कि आपके जो रेंट है, आपका इलेक्ट्रिक है, वो लाखों में चल जाता है। लाखों में के मकसद है कि आपको कोई बचत नहीं निकलता, तो उसमें मजबूरन कि मेकअप की प्राइस बढ़ानी पड़ती है। और आप लोग देखते भी होंगे कि बहुत से सलोन्स में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लाइक ब्राइडल जो है 50000 है, 35000 है, 20000 है, अच्छा खासे प्राइस होते हैं। तो ये रीज़न होता है, मेंटेनेंस निकालना पड़ता है। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा सेफ हो जाते हैं कि अपनी जगह है, इतनी बड़ी जगह अपनी है, इनफैक्ट कि हमारे बैक साइड पे भी है, अगर हम वो यूज़ करना चाहें तो वो भी ले लेते हैं। मेन रोड पे भी हमारे हैं लेकिन वहाँ पे स्पेस इतनी बड़ी नहीं है जो हम वहाँ पे स्विच करें। तो सुकून की लाइफ स्पेंड करनी है और क्लाइंट भी माशाल्लाह से सेटिस्फाई रहती हैं, आराम से रिलैक्स होगी, क्योंकि कभी कभी हम ये स्पेस भी, इतनी बड़ी स्पेस जो हमारी वो भी कभी कभी छोटी पड़ जाती है जब वेडिंग सीजन होता है। तो यहाँ पे क्लाइंट का ये बेनिफिट है कि हमारा जो रेंट सेफ हो रहा है, वही चीज़ रेंट जो सेफ हो रहा है वही चीज़ क्लाइंट को डिस्काउंट मिल जा रहा है। और अगर इन फ्यूचर अगर कभी ना कभी हम अगर आउटसाइड पे जाते हैं, लेकिन माइंड ऐसा नहीं है क्योंकि हमें औरंगी टाउन में एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत है, और अरिंगी टाउन को भी एक मेकअप आर्टिस्ट की नीड है कि बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट यहाँ पे मेकअप अच्छा है, उनकी भी विश होती है अरिंगी टाउन में भी एक अच्छा मेकअप हो। तो माशाल्लाह से कहने की बात है, लेकिन टैलेंटेड लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं अरिंगी टाउन कराची में, एक से एक सलोन है यहाँ पे, एक से एक पार्लर हैं, और माशाल्लाह से स्टडी लेवल में भी काफ़ी हाई है। बस यहाँ की रोडें जो हैं थोड़ी सी ख़राब है, जिस वजह से यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन माशाल्लाह से क्लाइंट जो है हमारे बहुत दूर दूर से आ रहे होते हैं, इनफैक्ट के ब्राइडल मेकअप वगैरह पे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि लोग को इतना अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि आपके जो वर्क है बहुत अच्छा है, आपकी प्राइस बहुत कम है, और माशाल्लाह से 90-95% क्लाइंट बहुत सेटिस्फाई होते हैं हमारी चार्जेस से। आगे प्राइस बढ़ाने की रीज़न बस जस्ट यही होता है कि आगे प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव होते जाते हैं, लाइक जिस तरह फॉरन 1-2 मंथ के अंदर 18% 20% इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिस वजह से हमारे मेंटेनेंस इतना नहीं निकल पाता है, डेट्स वाई हमें मजबूरन प्राइस बढ़ानी पड़ती है। ऑब्वियसली हम अपने मेकअप तो प्रोडक्ट लोकल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, मेकअप आर्टिस्ट तो किसी भी मेकअप प्रोडक्ट से काम कर लेंगे, लेकिन क्लाइंट को क्या है, हमें क्लाइंट को सेटिस्फाई करके भेजना होता है, उनको ये है कि लॉन्ग टाइम तक का उनको रखना होता है, क्योंकि यहाँ से क्लाइंट अगर 3 बजे तक रेडी होके जा रही है तो रात 3 बजे तक वो रखें, ऑब्वियसली रात के 12 तो बज ही जाते हैं, इवेंट ख़त्म होते होते हैं,
तो आपके तो होने चाहिए ना, तकरीबन 10 घंटे तो मेकअप आपका स्टे रहना चाहिए। तो अच्छी ब्रांड पे ये बेनिफिट होता है। और आप अगर नॉर्मल लोकल ब्रांड यूज़ करते हैं तो आपको रिज़ल्ट तो वहीं मिलेगा, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत से ब्रांड यूज़ कर करके मैंने चेक कर लिए हैं और उसके टेस्टिंग भी मैंने बहुत की है, तो वो कामयाब नहीं हुई। जो चीज़ मुझे सही लगती है वो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ, चाहे वो एक्सपेंसिव हो या सस्ती हो, कोई भी चीज़ हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं अपना जो भी प्राइस हमारे एस्टिमेट निकलता है उसी के अकॉर्डिंग हम प्राइस रख देते हैं अपने क्लाइंट के लिए। ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रखते हैं, क्योंकि सारे से पहले बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइस। बस दुआ यही करती हूँ कि आगे जो प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो, ताकि हम इंक्रीज़ नहीं करें प्राइस। लेकिन अगर इंक्रीज़ मजबूरन हमें करना होगा, प्राइस इंक्रीज़ करनी होगी, क्योंकि जब आगे से प्रोडक्ट की चार्जेस बढ़ जाएंगे। और अभी यानी कि बढ़े हैं हमारे प्रोडक्ट के चार्जेस, जो भी प्रोडक्ट हम लेकर आते हैं तो, लेकिन अभी तक चार्जेस तो हमने नहीं बढ़ाए। जस्ट पार्टी मेकअप जो है 1300 हमने 100 हमने एक्स्ट्रा चार्जेस बढ़ाए। सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल दे चुकी हूँ, आप लोग अपना पार्लर ओपन कर सकते हैं। और जो जिसके माइंड में है कि होम बेस जो सैलॉन है या पार्लर है वो रन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आपका मेकअप जो है, आपका काम जो है, आपको ऊपर ले जाएगा। बस कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ठीक है। ये नहीं देखें कि मैं घर पे हूँ तो हमारे पास क्लाइंट नहीं आ रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्क आपका खुद ऊपर लेके जाएगा। आप मुझे इजाज़त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।